हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज। और आज हम देखेंगे जावा हिस्ट्री एंड जावा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जावा हिस्ट्री। जावा जो है 1991 में सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था और इसको फोर जो डेवलपर थे या हम बोल सकते हैं फोर राइटर ने इसको बनाया था। पहला नाम है उसका बिल जॉय, देन जेम गॉसलिंग एंड माइक शेरेडन एंड पैट्रिक नॉटन। ये चार राइटर थे, इन्होंने मिलके जावा डेवलप किया था। देन हम आते हैं कि जावा का नाम जावा क्यों पड़ा। बेसिकली जो चार राइटर थे ये कॉफ़ी के बहुत शौकीन थे और उस टाइम पर जो अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी मिलती थी वो जावा आइसलैंड में मिलती थी, इसलिए इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम जावा रखा। नाउ हम देखेंगे जावा की हिस्ट्री के बारे में कि जावा की जो कौन कौन सी जो नेमिंग कन्वर्जन नेम मतलब क्या क्या नेम थे सबसे पहले जब बनाया क्या नेम थे, देन उसको कुछ मॉडिफिकेशन किए तब क्या नेम थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जावा हिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहले जब इसको डेवलप किया तब इसका नाम रखा था स्टील्थ प्रोजेक्ट। स्टील्थ प्रोजेक्ट क्यों रखा, क्योंकि ये जिन्होंने जब इस लैंग्वेज को डेवलप किया था तो इन्होंने क्या किया था, इनकी थिंकिंग ये थी कि कोई भी प्रोग्राम ऐसा डेवलप करना चाह रहे थे जो रिमोटली एग्जीक्यूट हो सके या रिमोटली जो डिवाइस पे उस पर रन कर सके, तो इसलिए इसका नाम इन्होंने रखा स्टील्थ प्रोजेक्ट। कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन किए और देन इसका नाम रखा इन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट। कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया और इसका नाम रखा ओक। जनरली कुछ बुक्स में या कहीं जगह आपको सुनने में मिल सकता है कि इसका फर्स्ट जो नेम था ओक था। बेसिकली कुछ लोग इसको ओक को भी बोलते हैं कि ये फर्स्ट वर्जन था। देन इन्होंने क्या किया, फिर इसका फाइनली जो नाम रखा इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में जावा रखा। अब हम देखेंगे जावा के फीचर क्या है। तो अब हम आते हैं जावा के फीचर के बारे में। सबसे पहला फीचर होता है सिंपल। अब इसका सिंपल होने के तीन मेन रीज़न होते हैं। सबसे पहला ये है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिमोटली हम रिमोटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम किसी भी रिमोटली डिवाइस में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो सिंटैक्स होते हैं वो सी और सी प्लस प्लस के, जो रिसेंटली इसके आप अगर एक तरह से बोल सकते हैं कि इसकी रिसेंट लैंग्वेज है सी और सी प्लस प्लस या बेसिक लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज है इनकी जावा की। तो अधिकतर जो सिंटैक्स लिए गए हैं वो इन्हीं लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो इसलिए भी हम इसको सिंपल बोलते हैं। देन थर्ड इसका मेन रीज़न ये होता है कि इसमें पॉइंटर नहीं होता। पॉइंटर जो होता है वो सी और सी प्लस प्लस में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता था या कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता था, तो जावा में क्या पॉइंटर होता नहीं है, तो इसलिए ये एक सिंपल लैंग्वेज है। देन दूसरा इसका फीचर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो किसी भी जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है उसमें कुछ फीचर होना चाहिए, जस्ट लाइक क्लास होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, डायनामिक बाइंडिंग। तो ये कुछ फीचर होते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर होते हैं। तो ये जो सारे फीचर जावा के अंदर होते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देन थर्ड आता है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस हम इसके किसी भी प्रोजेक्ट को रिमोटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इस कारण जावा डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन फोर्थ आता है रोबस्ट। रोबस्ट का मीन्स मतलब होता है स्ट्रांग।
अब जावा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसमें इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग है एंड ऑटोमेटिक मेमोरी हैंडलिंग है। इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स ये ऑटोमेटिकली कुछ एक्सेप्शन को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर या हैंडल कर लेता है। दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब सी और सी प्लस प्लस में होता ये था कि अगर रन टाइम में अगर मेमोरी के रिक्वायरमेंट हो और अगर उसे रन टाइम पे मेमोरी ना मिले तो प्रोग्राम कैश हो जाता था, बट जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में अगर आपको रन टाइम पे मेमोरी के रिक्वायरमेंट है तो JVM ऑटोमेटिकली उसे मेमोरी प्रोवाइड करता है, तो जो हमारा प्रोग्राम क्या होता है इजीली क्रैश नहीं होता जावा के अंदर। तो इसलिए जावा क्या है, रोबस्ट या स्ट्रांग है। देन नेक्स्ट इसका फीचर आता है सिक्योर। अब सिक्योर इसलिए क्योंकि इसमें पॉइंटर नहीं होता है। पॉइंटर क्या होता था, किसी भी जो हमारा मेमोरी या वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है उसको लोकेट करता था। इस कारण क्या होता था कि उसकी जो सिक्योरिटी वो बिल्कुल वहाँ नहीं थी। तो जावा में क्या, इसको हटा दिया गया सिक्योरिटी पर्पज से। देन इसका नेक्स्ट फीचर आता है सिस्टम इंडिपेंडेंट। मीन्स इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिस्टम इंडिपेंडेंट क्यों है। देन नेक्स्ट आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स ये किसी भी डिवाइस पे सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर हमारा कोई अगर प्रोग्राम है और हम उसको किसी भी डिवाइस पे रन करवाते हैं तो हमारा क्या होता है, सेम रिजल्ट होता है या सेम रिजल्ट हम गेट होता है हमें। देन होता है हाई परफॉर्मेंस। अब ये हाई परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें जो हमारा लाइब्रेरी जो होती है इसमें इंपोर्ट होती है, इंक्लूड नहीं होती। तो क्या होता है कि लेस कोड होता है, इजीली एग्जीक्यूट होता है और फास्ट एग्जीक्यूट होता है। दूसरा होता है कि इसमें किसी भी प्रोग्राम को आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर साथ में एग्जीक्यूट करते हैं, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को। तो इसी कारण भी क्या होता है, हमारे परफॉर्मेंस का हाई होता है। देन नेक्स्ट फीचर होता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में होता यह है कि जो थ्रेड होता है वो लाइट वेट प्रोसेस होता है और किसी भी प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेस में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करता है साइमल्टेनियसली। मल्टी थ्रेडिंग में एक जो हाई परफॉर्मेंस का एक ये भी रीज़न होता है कि इसमें मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फीचर होता है हमारा डायनामिक। इसे डायनामिकली की भी हम यूज़ कर सकते हैं या डायनामिकली प्रोग्राम में भी इसको यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे JVM का आर्किटेक्चर जावा। अब JVM आर्किटेक्चर में तीन इसकी लेयर होती है। सबसे पहले लेयर होती है लोडिंग। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी अगर प्रोग्राम को सिस्टम में, जब भी हम किसी सिस्टम में रन करते हैं वो सबसे पहले लोड होता है मेमोरी में। देन नेक्स्ट लेयर आती है मेमोरी मैनेजमेंट। अब जावा के अंदर 5 टाइप की मेमोरी होती है। पहली मेमोरी होती है मेथड एरिया। मेथड एरिया के अंदर जितनी भी हमारी मेथड होती हैं वो सारी मेथड्स जो हमारी स्टैटिक और कॉन्क्रीट मेथड, जितनी भी हमारी मेथड होती है वो मेथड एरिया के अंदर स्टोर होती हैं। देन हमारी होती है हीप मेमोरी, शायद मैं यहाँ लिखना भूल गया। दूसरी होती है हीप मेमोरी और हीप मेमोरी के अंदर हमारी जितनी भी वेरिएबल और स्टांस वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट है वो सारे हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। देन थर्ड होता है हमारा जावा स्टैक्स। जावा स्टैक्स के अंदर हमारा इंटरमीडिएट जितना भी रिजल्ट होता है वो जावा स्टैक के अंदर स्टोर होता है। वेरिएबल जितने भी हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो जावा स्टैक के अंदर स्टोर होता है। देन होता है PC रजिस्टर। इसके अंदर हमारे जितने भी लो मेमोरी वेरिएबल होते हैं, आप जो यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल, वो सारे PC रजिस्टर्ड के अंदर यूज़ होते हैं। देन नेटिव मेथड एरिया। नेटिव मेथड एरिया के अंदर हमारी जितनी भी सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी होती है वो स्टोर होती है। देन होता है नेक्स्ट हमारा आता है कंपाइलेशन लेयर।
तो इसके अंदर हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी प्रोग्राम के जावा प्रोग्राम को इंटरप्रेटर और कंपाइलर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर जो इंटरप्रेटर एक होता है, देन होता है नेक्स्ट जी आई टी मीन्स जस्ट इन कंपाइलर। और अगर इसको रन टाइम पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है या लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमें प्रोवाइड होती है नेटिव मेथड लाइब्रेरी के थ्रू। और अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो नेटिव मेथड एरिया के थ्रू हमें इसको लाइब्रेरी। देन नेक्स्ट किसको फॉरवर्ड होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम फॉरवर्ड होता है। नाउ हम देखेंगे सी प्लस प्लस और जावा के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला जावा होता है हमारा, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, और जो सी होता है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होता है। देन नेक्स्ट डिफरेंस आता है जो जावा के अंदर पॉइंटर नहीं होता है और सी प्लस प्लस पॉइंटर कंटेन करता है, या सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर होता है। देन तीसरा होता है ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेशन, मीन्स अगर हमें रन टाइम पे मेमोरी के रिक्वायरमेंट होती है जावा के अंदर ऑटोमेटिक JVM प्रोवाइड करता है, बट सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा नहीं होता है। सी प्लस प्लस के अंदर अगर मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है तो ऑटोमेटिक नहीं होती है और प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। देन जावा क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, बट जो सी प्लस प्लस है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। देन इसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, बट जो सी और सी प्लस प्लस होता है इसमें सिंगल प्लस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। देन नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि जावा के अंदर 4 एक्सेसिफायर होते हैं, इसमें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट होता है, बट जावा के अंदर सी और सी प्लस प्लस के अंदर 3 ही एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। देन हम देखेंगे जावा के टाइप्स, तो जावा के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है J2AC, या इसको हम कुछ लोग कोर जावा बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन। दूसरा होता है J2EE, जावा इंटरप्राइज एडिशन, और कुछ लोग इसको एडवांस जावा भी बोलते हैं। देन थर्ड इसका टाइप्स होता है J2ME, जावा माइक्रो एडिशन, और ये मोस्टली मोबाइल वर्जन होता है या मोबाइल में यूज होता है। तो ये हमारा था जावा का इंट्रोडक्शन और जावा हिस्ट्री। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।